नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी एचपी पर। तथा आज डेट है 21 फरवरी 2021। तथा आज जो मॉर्निंग सेशन में एचपीएसएससी द्वारा यहां पे होटल इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, जिसका कि पोस्ट कोड है 824। यहां पे मैं उसके जो भी क्वेश्चन है उनको सोल्व करवाऊँगा। तथा ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो इसका रिज़ल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर की ओर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं होटल इंस्पेक्टर का जो क्वेश्चन पेपर है ये आपकी स्क्रीन पे है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ पल्सेस। तो इसका आंसर ए सही होगा, लेंटिल्स। दूसरा क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ कॉटेज चीज़। तो ओरिजिन ऑफ कॉटेज चीज़ दोस्तों इसका सही आंसर होगा इंडिया। क्वेश्चन थ्री है हॉलैंडाइज सॉस इज़। तो दोस्तों हॉलैंडाइज सॉस है ओबॉम इमल्सन सॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम इनटू मदर सोसेज। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ कॉन्जोमे इज अ क्लियर सूप मेड बाय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्लैरिफाइंग ब्राउन स्टॉक विद एग वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीरपुआ इज अ मिक्सचर ऑफ। तो दोस्तों मीरपुआ इज अ मिक्सचर ऑफ सैलरी अनियन एंड कैरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बाइट चॉपिंग बोर्ड इज यूज फॉर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बाइट चॉपिंग बोर्ड इज यूज फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंच हर्ब्स यूज टू फ्लेवर स्टॉक इज। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बुके गार्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड सिमर्ड फॉर लॉन्गर टाइम टू एक्सट्रैक्ट द फ्लेवर ऑफ इन्ग्रीडियंट्स यूज्ड आर कोल्ड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉस इज मेड ऑन डबल बॉयलर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे हॉलैंडाइज सॉस इज मेड ऑन डबल बॉयलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज अ पार्ट ऑफ कैबेज फैमिली। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों लेट्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यहाँ पे इन्होंने बताया कि कंप्लीट द सीरीज बाय राइटिंग द मिसिंग नंबर। तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मिसिंग बर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप इंडिकेटेड इन द फर्स्ट पेयर। तो यहाँ पे लाफ का जॉय बीप का ग्रिफ होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द बर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जैबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ सर्टेन कोड स्प्रिंग इज रिटन एज UNUFRC how will the word mobile be written in that code language। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, इसका जो है ऑप्शन बी सही रहेगा यहाँ पे 15 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, तो इसका यहाँ पे जो है ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट सम बुक्स आर पेंस नो पेन इज पेंसिल। तो इसका जो है ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहेगा कि ओनली वन फॉलो सम पेन्स आर बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ओ फिक्स्ड प्राइज इज नोन एज ताबले दी होते मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एंश्योर ड्रिंक प्रिपेयर टू मैक्सिमाइज कॉस्ट कंट्रोल यू वुड फॉलो द एंटरप्राइजेज रेसिपी। इसका ऑप्शन सी सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ क्रेडिट कार्ड इज वैलिड वेन द डेट ऑन द कार्ड हैज़ नॉट एक्सपायर्ड। ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लासेज हैज़ अ स्टेम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो बैलून ग्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बट डज HACCP मीन्स। तो इसका जो ऑप्शन सी सही रहेगा यहाँ पे हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे जो 24 क्वेश्चन है इसका आंसर मेरे को पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो आंसर है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं यदि आपको पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया इज यूज्ड एज फेशियल कंटेमिनेशन इंडिकेटर इन फूड। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही रहेगा ई कोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एगमार्क स्टैंडर्ड इज सेट बाय। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही रहेगा डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट ऑल वेजिटेरियन प्रोटीन्स आर कंप्लीट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन बाय देमसेल्व्स बट दिस वन इज। यहाँ पे जो इसका है ऑप्शन ए सही रहेगा नट्स एंड सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 कॉस्ट इनक्योर्ड
इन राइटिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स ड्यू टू नॉन पेमेंट कोल्ड. ऑप्शन ए इसका सही रहेगा, बैड डेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th, वो पैकेज ऑफर्ड बाय रिजॉर्ट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ ब्रेकफास्ट एंड आइदर लंच और डिनर इन द रूम चार्ज. द अरेंजमेंट इज कोल्ड. इसका जो ऑप्शन डी सही रहेगा, द मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट एक्सेप्टेड एज अ मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ गेस्ट अकाउंट. तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह रहेगा पर्सनल चेक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द की विच कैन ओपन इवन द डबल लॉक रूम इज नोन एज ग्रैंड मास्टर की. ऑप्शन जो है इसका सी सही रहेगा, CPR. बट इज CPR दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेलीफोन मस्ट बी आंसर्ड विद इन 3 rings. ऑप्शन बी इसका सही रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है टैरिफ, बट डज द टैरिफ मीन. तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो लिस्ट ऑफ चार्जेस ऑफ द होटल इज कॉल्ड टैरिफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुपति बालाजी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट. तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन बी सही रहेगा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैप्टन्स दिल्ली कैपिटल इन IPL 2020. तो इसका जो है सही आंसर रहेगा श्रेयस अय्यर. ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही रहेगा. हम्पी ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ पार्टनरशिप दैट क्रिएट्स अ न्यू एंटिटी टू विच द पार्टीज कंट्रीब्यूट पर्सनल इक्विपमेंट कैश इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अदर एसेट्स इज कॉल्ड. ऑप्शन ए यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर इसका सही रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, SWOT स्टैंड्स फॉर. इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा स्ट्रेंथ्स वीकनेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स. ऑप्शन बी इसका सही रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट करेक्ट फॉर टूरिज्म. तो दोस्तों इसका जो यहाँ पे मेरे को लग रहा है ऑप्शन डी सही होगा, बाकी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो जो 61 का यहाँ पे क्वेश्चन है ये है, क्रॉस कंटेमिनेशन इज. तो फ्रेंड्स इस पे इसका जो सही आंसर हो सकता है मेरे को ऑप्शन ए लग रहा है, आप नीचे बता सकते हैं इसका भी कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो सेशिल होटल सिचुएटेड इन शिमला हिमाचल प्रदेश इज ऑपरेटिंग अंडर द बिच ब्रांड. तो दोस्तों ये ओबरॉय ग्रुप के अंडर आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, द लग्जरी होटल चेन विवांता होटल्स एंड रिजॉर्ट इज ब्रांड ओन्ड बाय. तो दोस्तों ये ताज ग्रुप की चेन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज. तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी इसका सही रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में इतने नगर निगम है दोस्तों. तो यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश में पहले जो नगर निगम थे वो 2 थे, परंतु अब इनकी संख्या जो है बढ़कर 5 कर दी गई है दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन हिमाचल प्रदेश इज. तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है हिमाचल प्रदेश की. तो दोस्तों वो है गोविंद सागर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से निकलती है दोस्तों. तो रावी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के बड़ा बंगाल से निकलती है, जो कि कांगड़ा में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवघाटी भगवानों की घाटी यहाँ पे किसे कहा जाता है. तो कुल्लू घाटी को भी यहाँ पे जो है गोड वैली कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवरात्रि फेयर कमेंस्ड इन मंडी बाय बीच रूलर. तो दोस्तों ये अजबर सेन द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन, यहाँ पे जो महमूद गजनबी ने किस वर्ष कांगड़ा फोर्ट लूटा. तो 1009 यहाँ पे इसका सही रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारेश्वर मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है. तो अर्धनारेश्वर मंदिर दोस्तों मंडी में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है. तो दोस्तों ये फेयरलॉन्स में स्थित है, ये है दिल्ली से आगे शिमला में है ये फेयरलॉन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वायसराय इनॉग्रेटेड द सेंट्रल काउंसिल चैम्बर शिमला इन 1925 AD. तो इसका जो है ऑप्शन बी सही रहेगा, यहाँ पे लॉर्ड रीडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुग्गा आंदोलन जो कि 1883 ईस्वी में हुआ था, ये कौन से ज़िले में हुआ था. दोस्तों ये बिलासपुर में हुआ था. बावा जल विद्युत परियोजना सतलुज पर नदी पर बनाई गई है. हिमाचल पोलियंड्री बुक इज रिटन बाय डॉक्टर भाई एस परमार. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट इज नॉट फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट. तो इसका ऊना यहाँ पे सही रहेगा, बाकी नाट्य जो सिरमौर शिमला कुल्लू में की जाती है. परशुराम पुरस्कार का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था. तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सुमन रावत. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च द फैसिलिटी
टू फाइल नील जीएसटी स्टेटमेंट थ्रू एसएमएस। तो इसका जो ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट इज़ द फर्स्ट टू लॉन्च ई बोर्डिंग फैसिलिटी रिसेंटली फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर्स। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैन इज़ द यूटी ट्रीटी टू बैन न्यूक्लियर वेपन्स एक्सपेक्टेड टू कम इन फोर्स। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहेगा, जनवरी 2021। द यूरोपियन यूनियन हैज़ फिक्स्ड टारगेट फॉर नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय बीच ईयर। तो इसका जो है ऑप्शन सी 2050 यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने हाल ही में निरीक्षण गतिविधियों के लिए ड्रोन के प्रयोग को अनुमति दी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा NTPC लिमिटेड, ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इज शूलभ सूत्र, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड महावीर डाइड एट, तो लॉर्ड महावीर डाइड एट इसका जो ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा, पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्का। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी चरक यहाँ पे रहेगा, हु वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी। तो लोदी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो था इब्राहिम लोदी। 1526 में यहाँ पे इसका युद्ध हुआ था बाबर के साथ, वहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप डिफिएटेड बाय द मुगल आर्मी इन द बैटल ऑफ। तो इसका जो ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा, हल्दीघाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लेटर बिकम द, तो इसका जो अभी नाम रखा गया है दोस्तों वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियाँ सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। तो दोस्तों ये चंपारण बिहार से शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट सजेस्टेड द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये 1919 के एक्ट के अंडर यहाँ पे ये पोस्ट सजेस्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रिट्स कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो इसका ऑप्शन ए यहाँ पे 5 टाइप ऑफ रिट्स यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है इसका वीनस सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। तो कॉन्गो रिवर यहाँ पे जो है इक्वेटर को ट्वाइस दो बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द सेक्रेटरिएट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसका जो है ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल जो कि है कैनेडा में, इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। तो इसका जो है ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा, बेम्बानेड झील। तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों मेरे को कि ये बेम्बानेड झील किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि द फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन इज कॉल्ड। तो दोस्तों ये जो है फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन के ये मैनग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स प्रदीप फॉस्फेट लिमिटेड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो दोस्तों मेरे को इसका क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर पता नहीं, यदि आपको पता हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ क्लोज्ड इकोनॉमी इज वन विच। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, डज नॉट ट्रेड विद अदर कंट्रीज, इसका जो है ऑप्शन सी सही रहेगा, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइबर डाइट इंक्लूड्स। तो द फाइबर डाइट इंक्लूड्स यहाँ पे सेलुलोज, इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेन ग्लास स्लैब इज कैप्ट ओवर कलर्ड लेटर्स विच अपीयर्स लीस्ट रेज्ड इज। तो दोस्तों जो है इसका यहाँ पे ऑप्शन बी सही रहेगा, बैंगनी वायलेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ वॉल थ्रोन अप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। तो दोस्तों इसका जो है एक्सीलरेशन सही आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूसेस द मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन, ऑप्शन बी फीजन, इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगेज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। तो दोस्तों इसका भी मेरे को सही आंसर पता नहीं, यदि आपको पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड लिबरलिज्म, लिबरलिज्म
दोस्तों इसका भी यदि आपको पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द पीरियड बिटवीन टू रीजन्स इज इंटरेजनम। इसका जो है ऑप्शन बी सही रहेगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज डेफिनेटली एल्डर देन मी। इसका जो है ऑप्शन बी सही रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े पर चले चढ़े आना मुहावरे का अर्थ है उताबले उताबली में होना। ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। अनुग्रह का विलोम शब्द बिग्रे, बेगम में जो प्रत्यय आता है दोस्तों वो आता है मो प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड बाय द पर्सन टू ट्रेवल टू फॉरन कंट्री। विच इज़ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड बाय द पर्सन। तो दोस्तों आपको यहाँ पे पासपोर्ट, वीज़ा और फॉरन एक्सचेंज सभी की ज़रूरत पड़ती है जब आप यहाँ पे ट्रैवल करते हैं फॉरेन कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउस बोट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ डल लेक इन कश्मीर इज एग्जांपल ऑफ फ्लोटेल्स। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेटलिंग ऑफ गेस्ट बिल एट फ्रंट ऑफिस इज डन बाय रिजर्वेशन। तो ये रिजर्वेशन डेस्क द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होटल कैन एस्टेब्लिश द रेंट ऑफ द रूम ऑन द बेसिस ऑफ। तो दोस्तों ये चेक इन चेक आउट 24 आवर्स और पर नाइट, इनमें से किसी भी बेस पर यहाँ पे जो है रूम प्राइस होटल का यहाँ पे सेट किया जाता है। इन सभी द्वारा किया जा सकता है। इसका ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेवल अरेंजमेंट्स लाइक इंट्रा एंड इंट्रा सिटी फॉर गेस्ट इज डन बाय। तो दोस्तों ये कॉन्सियर्ज द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पब्लिश रेट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रूम्स बिफोर एनी डिस्काउंट इज कॉल्ड रैक रेट। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द PMS इज हैंडल्ड बाय। तो PMS जो है दोस्तों, इसका जो PMS स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम एंड दिस इज यूज्ड बाय रिजर्वेशन सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन ए लेजर अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन होटल आर फॉलोइंग टाइप्स। तो दोस्तों होटल जो है यहाँ पे मोटल्स भी, लोकेशन मोटल्स की भी होती है, फोलेटल्स, एयरपोर्टल होटल्स जिन्हें कि ट्रांजिएंट होटल भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल एंड मैनेज ऑल द फंक्शंस एट लॉबी ऑफ होटल इज। तो दोस्तों इसका जो यहाँ पे सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, ड्यूटी मैनेजर। बाकी जब आंसर की आएगी तो मैं आपको उसका भी अपडेट दे दूंगा कि आंसर की इसकी आ गई है, तथा मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा तो आप देख सकते हैं उसकी आंसर की भी। तब तक आप यहाँ पे नीचे यदि कोई क्वेश्चन गलत भी होता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, तथा बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है 124वां क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, गेस्ट हु लीव्स द होटल विदाउट क्लियरिंग द पेमेंट इज कॉल्ड स्कीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मनी पेड ऑन बिहाफ ऑफ गेस्ट नोन एज विजिटर पेड आउट। इसका सही आंसर रहेगा, द टैरिफ प्लान कंसिस्टिंग ऑफ रूम टैरिफ एंड ऑल मेजर मील्स इज नोन एज अमेरिकन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल रूम सेल्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रूम रिप्रेजेंट। इसका सही आंसर रहेगा, रूम ऑक्यूपेंसी परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 129वां यहाँ पे, इसका अभी मेरे को कुछ पता नहीं है इसका आंसर। 130 का क्वेश्चन का यदि आपको पता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 132वां क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका जो है ऑप्शन बी 27 सितंबर को यहाँ पे जो है वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो है 133 का ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 का यहाँ पे ऑप्शन सी सही रहेगा। दोस्तों आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, मैं आपको यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ। तो 135 का जो है ऑप्शन बी सही रहेगा, जो 136 है इसका जो है ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ह्यूमिडोर इज द बॉक्स ऑफ, तो दोस्तों इसमें जो है सिगार यहाँ पे रखे जाते हैं, इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, सोर्बे, तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139वां, तो इसमें ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका जो है ऑप्शन बी 140 का ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कलरी रेफर्स टू किचन क्लीनिंग, ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा। द हाइट ऑफ डाइनिंग रूम चेयर इज 18 इंच, तो इसका जो है ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो है ऑप्शन बी सही रहेगा, 143वें का, 144वें का दोस्तों अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, इसका भी आप आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं यदि आपको पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145वां, इसका जो है ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्योर, तो एब्योर बार्कर होता है दोस्तों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147वें का, यहाँ पे ऑप्शन ए सही रहेगा। 148वें का दोस्तों यहाँ पे 149 का यहाँ पे जो है वाइट वाइन चिल्ड सर्व होती है, 150 रेड वाइन इज एट रूम टेम्परेचर सर्व होती है। 191वे का दोस्तों अभी मेरे को कुछ पता नहीं है कोई इसका भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल और फेयर इज, तो बिल और फेयर इज, तो दोस्तों ये इसका ऑप्शन है यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट ट्यूबोर्ग जो दोस्तों बियर है ये डेनमार्क की बियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लावर रूम शुड ऑलवेज बी, तो ये एयर कंडीशनड होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फ्लोर पेंट्रीज है ये सर्विस एलिवेटर के पास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156वां, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी, इसका भी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158, इसका भी ऑप्शन डी होगा, और 159 का ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। 160 का ऑप्शन डी फेस टावल यहाँ पे सही रहेगा। 161 का ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट, 162 का यहाँ पे हॉलीवुड ट्विन रूम, 163 का एडजॉइनिंग रूम, एंड 164 का आउट ऑफ ऑर्डर, 165 का लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन, 166 का ओवरस्टे, 167 का यहाँ पे जो स्टार्च होता है वो इन सभी में होता है, पोटैटो राइस बार्ले में, बिंगलैंड जो है दोस्तों ये चिकन कट है, और जो थिकनिंग एजेंट है दोस्तों इनमें से वो वाटर भी सॉल्ट स्टॉक इनमें से ये कोई भी थिकनिंग एजेंट नहीं, थिकनिंग एजेंट है फ्लार, ऑप्शन डी सही रहेगा। आइडियल टेम्परेचर ऑफ स्टोरिंग सी फूड, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पे, 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे जो सी फूड का टेम्परेचर होता है वो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों यदि आपको कोई भी क्वारी हो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तथा इसकी जो आंसर की है जैसे ही HPSC रिलीज़ करता है तो मैं आपको उसकी भी वीडियो बनाकर दे दूँगा, तथा यहाँ पे जो इसका रिज़ल्ट है दोस्तों वो लगभग 2.5 या 3 महीने बाद आएगा, क्योंकि जो HPSC रिज़ल्ट निकाल रही है वो लगभग 2 या 3 महीने बाद ही निकाल रही है। तो आप मान के चलिए यहाँ पे जो है 80 से 100 दिन का टाइम के बीच में जो इसका रिज़ल्ट आ सकता है। तथा आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएँ, आप सभी की जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सभी सिलेक्ट हो, यहाँ पर वैकेंसीज तो चार ही हैं, पर चलिए आप सभी की शुभकामनाएं मेरे साथ हैं। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, जय हिमाचल, तथा जिससे संबंधित कोई भी अपडेट जैसे ही आती है मैं सबको सबसे पहले आपको बता दूंगा। तो हमारे इस चैनल स्टडी HP को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल, मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।